बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडवाइजर कुकिंग आपके लिए मखड्डी हलवे की रेसिपी लेके आया। यूनिक से तरीके से हम आपको मखड्डी हलवा बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, 3 कप सूजी एक बाउल के अंदर डाल ली है। दूध बॉईल करके जो ऊपर मलाई आती है ना, वो मलाई आपने ज़ाया नहीं करनी। उसका बड़ा मज़े का हम आपको यूज़ बताते हैं। यहाँ पर हमने ली है मलाई, इसको डाल देंगे सूजी के अंदर। मलाई और दूध मिक्स करके सूजी के अंदर डाल देंगे। मलाई से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इन्हेंस होकर टेस्ट आता है। इतना आपने इसके अंदर दूध डालना है कि जो सूजी है वो अच्छे से डिप हो जाए, और सूजी जब फूले तो वो सारा दूध अब्ज़ॉर्ब कर ले। सूजी से 1 इंच सतह ऊपर हो दूध की, तो वो आराम से सारा दूध जो है ना अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। एक दूध बर्तन चूल्हे पे रखा है, इसके अंदर डाला है 2 कप घी। हमने नाप के 2 कप घी इसके अंदर डाल लिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं। एक दूध बोल लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। हम नाप के रख लेते हैं अलग से शुगर, ये 1 कप डाल लिया है और 2 कप डाल रहे हैं हम। इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2.5 कप शुगर। 3 कप सूजी ली थी, 2 कप उसके अंदर घी डाला है और 2.5 कप इसके अंदर डालेंगे शुगर। 2 से 3 इलायची हमने घी के अंदर डाल दी है, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देते हैं शुगर, चीनी जो कि अभी मैयर की थी। ये फ्लेम हमने रखी है नॉर्मल, लो टू मीडियम कर दीजिएगा आप। अगर आप फ्लेम हाई पे करेंगे तो शुगर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होगी और ब्राउन हो जाएगी, तो उसका जो टेस्ट है ना वो कुछ जला जला सा आएगा। जैसे जल जाती है सब्ज़ी तो उसका टेस्ट आता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। लो टू मीडियम आंच पे देखिए शुगर पिघलना शुरू हो गई है। देखिए शुगर मेल्ट हो गई है और ब्राउन सा कलर इसका आना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे सूजी जो डिप करके रखी थी, वो डायरेक्टली इसके अंदर शामिल कर देते हैं। सूजी ने जो दूध हम इसके अंदर डाला था वो अब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से, और आपने यहाँ पर आंच कर देनी है बहुत स्लो और धीमी आंच पे। अच्छे से मिक्स करना है, फ़ौरन से आपने इसको मिक्स करना है। ऐसा होगा अगर आपने आंच तेज़ रखी है और चम्मच नहीं हिलाया तो ये यहीं पे लम्स बन जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। लीजिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, स्टिर करते रहेंगे। अब फ्लेम फास्ट कर लीजिएगा, अच्छे से स्टिर करते हैं। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर लम्स बिल्कुल भी नहीं बनने देने। यहाँ पर आपने मखड्डी हलवे को इतना ज़्यादा पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे कि जो इसके अंदर घी हमने डाला था ना शुरू में 2 कप, वो जो 2 कप घी है ना वो बाहर निकाल लेने हैं, कर लेना है, और हलवा जो है वो बर्तन से अलग होना शुरू हो जाएगा। और लीजिए मखंडी हलवा हो गया है तैयार। अब यहाँ पर हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। देखिए कितना स्मूथ है। कैसी लगी है आपको ये रेसिपी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हलवा को अब हम अलग से प्लेट के अंदर निकालते हैं, सर्व करते हैं। और इसे निकाल रहे हैं अलग से प्लेट के अंदर। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है और यम्मी सा इसका टेस्ट है। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। यहाँ पर इसको हम गार्निश कर देते हैं। पिस्ता, बादाम और नारियल अच्छे से क्रश करके हमने रख लिया था, इससे हम गार्निश कर लेते हैं। ये हमारा मखंडी हलवा हो गया है तैयार। आपको कैसी लगी है ये रेसिपी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम फिर यूनिक सी रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।